listeners are from mathhimath.com. Let's start with question number 15 of exercise number 2.3. The statement of this question is 2 minus 3x minus 2x square. सबसे पहले तो हम ये हमारे पास क्वेश्चन है इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि सबसे बड़ी पावर सबसे लेफ्ट पे होती है, फिर उससे राइट पे, उससे छोटी, उससे उसके बाद उससे छोटी पावर आ जाती है. तो यहाँ पे सबसे लेफ्ट पे हमारे पास माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस थ्री एक्स आएगा, फिर साथ में यहाँ पे प्लस टू आ जाएगा. अब ये एक अच्छी प्रैक्टिस ये समझी जाती है कि जो सबसे बड़ी पावर होती है उसके साथ माइनस का साइन ना हो, तो इसलिए हमने इस सारे क्वेश्चन में से माइनस को कॉमन ले लिया. जब हम इस सारे क्वेश्चन में से माइनस को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर तमाम साइंस चेंज हो जाएंगे. जैसा कि ये माइनस टू एक्स स्क्वायर था, ये प्लस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा. ये माइनस थ्री एक्स था, ये प्लस थ्री एक्स आ जाएगा. ये प्लस टू था, ये माइनस टू आ जाएगा. अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरह इसके अंदर भी यहाँ पे टू को टू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास फोर आ गया. इसके पेयर बनाते हैं, ये आ गया वन इंटू फोर और टू इंटू टू. अब इनमें से, इन दोनों पेयर्स में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास थ्री आ जाए. तो फोर में से वन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास थ्री आता है. इसलिए हम यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 2x square, ये 3x को हम लिख सकते हैं 4x minus x, और minus 2 इसके साथ वैसे आ जाएगा. अब अगर आप इन दोनों को देखें तो आपको अंदाजा हो रहा है कि इन दोनों में से आप 2x को कॉमन ले सकते हैं. तो हमने इन दोनों में से 2x को कॉमन लिया. ये हमारे पास जब इसको 2x पे डिवाइड किया तो x आ गया, जब इसको 2x पे डिवाइड किया तो हमारे पास खाली यहाँ पे 2 आ जाएगा. अब तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 2. अब इन दोनों में से हम माइनस वन को कॉमन ले लेते हैं. जब माइनस वन को कॉमन लिया तो ये भी हमारे पास x प्लस 2 आ गया. तो इधर भी x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 है, दोनों में से x प्लस 2 को कॉमन ले लिया. तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस साइन बाहर वैसे ही आ रहा है. यहाँ पे हमारे पास 2x बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास माइनस वन बच जाएगा. तो इस वजह से 2x माइनस वन इस तरह से आ जाएगा और साथ में x प्लस 2 इस तरह से आ जाएगा और माइनस साइन यहाँ पे सबके बाहर इसके साथ अटैच रहेगा. और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. अगर आपके इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें. हमारा YouTube चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ मैथ.